बीजेपी के हवाले से ये नेचुरली सवाल उठ रहे हैं कि पहला वो ये कह रहे हैं कि आप लोग असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते हैं अगर आपको अगली चुनाव चाहिए, और दूसरा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अपना आवास खाली करेंगे अगर वो पद से उतर रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि दिल्ली में चुनाव आज के दिन करवाने के लिए असेंबली डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी विधानसभा का 6 महीने से कम का टेन्योर रहता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकती है। इसलिए दिल्ली में चुनाव करवाने के लिए यहाँ पे दिल्ली की असेंबली भंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि जो हमने कहा था वही हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो हम दूसरी बात कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये भी आपको जल्द सामने नजर आएगा। नहीं, आप बता दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। वो एक्चुअली 2 साल से परेशान हैं। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करी, करोड़ों रुपए की ऑफर देने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं गिरा पाए। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर रेड करनी शुरू करी। कभी घर पे रेड करी, कभी ऑफिस पे रेड करी, कभी लॉकर में रेड करी, कभी पैतृक गांव में रेड करी। अब इतनी रेड करने के बाद भी उन्हें एक चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई, तो वो तब से परेशान है। फिर वो इस बात से परेशान है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसीज ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। अब बाकी पार्टियों में तो जेल का नाम लेते ही लोग कूद कूद के उनकी पार्टी में चले जाते हैं, और आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो 2 साल तक जेल में रहे लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो टूटी नहीं, जो दबी नहीं, जो चुप नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बात से परेशान है कि देश में अब एक इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख मिलाकर उनकी तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैम, बीजेपी ने ये भी कहा है कि 2 दिन क्यों चाहिए? उसका तो सिंपल सा रीजन है, आज संडे है और कल छुट्टी है ईद की, तो नेक्स्ट वर्किंग डे ट्यूसडे है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए।